मनको की डोरी, समरसेट मॉम, इंग्लैंड की कहानी। क्या शुभ संयोग है कि मैं तुम्हारे पास बैठाई गई हूँ। जैसे ही हम खाने की मेज पर बैठे, लोरा बोली, मेरे लिए। मैंने विनित भाव से उत्तर दिया, ये तो देखा जाएगा, मैं तुमसे बात करने का विशेष अवसर ढूंढ रही थी, तुम्हें एक कहानी सुनानी है। ये सुनकर मेरा दिल थोड़ा बैठ गया। मैं चाहूँगा कि तुम अपने बारे में शीघ्र बात करो, मैंने उत्तर दिया, या मेरे बारे में भी। ओ, परंतु मुझे तुमको कहानी सुनानी है, मेरा विचार है कि तुम उसका उपयोग कर सकोगे। यदि तुम्हें कहानी सुनानी है तो ठीक है, परंतु पहले हम मीनू देख लें। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं कहानी सुनाऊं? उसने कुछ दुखी होकर कहा। मेरा ख्याल है कि तुम प्रसन्न होगे। मैं हूं, तुमने एक नाटक लिखा है जो मुझे सुनाना चाहती हो। ये मेरे कुछ मित्रों के साथ घटा, ये पूर्णतया सत्य है, ये कोई अनुशंसा नहीं है। एक सच्ची कहानी कभी कभी इतनी सच्ची नहीं होती जितनी काल्पनिक। इसका क्या अर्थ हुआ? अधिक कुछ नहीं, मैंने माना, परंतु मैंने सोचा ये कहानी ठीक है। मैं चाहती थी कि तुम मुझे सुनाने देते। मेरा पूरा ध्यान है, मैं सूख नहीं लूँगा, ये मोटा बनाता है। उसने मुझे चिकोटी भरी नज़र से देखा और फिर मीनू पर निगाह डाल ली और हल्की आह भरी। ओह, यदि तुम इनकार करोगे तो मैं भी नहीं। परमात्मा जानता है मैं अपनी आकृति से खिलवाड़ नहीं कर सकती। और फिर भी क्या कोई इस प्रकार का दिव्य सूप है जिसमें तुम बहुत निराकार क्रीम नहीं डालती? बोर्च, उसने आह भरी, यही एक सूप है जिसको मैं पसंद करती हूँ। चलो छोड़ो, अपनी कहानी सुनाओ और जब तक मछली नहीं आती खाने को भूल जाओ। अच्छा, मैं वास्तव में वहीं थी जब यह घटना घटी। मैं लिविंगटन परिवार के साथ खाना खा रही थी। क्या तुम लिविंगस्टन परिवार को जानते हो? नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं जानता हूँ। ठीक है, तुम उनसे पूछ सकते हो और जो भी कहूँगी वे हर शब्द की पुष्टि करेंगे। उन्होंने अपनी अध्यापिका को भी खाने पर बुलाया था क्योंकि किसी महिला के अंतिम क्षणों में इसका प्रबंध किया गया था। तुम जानते हो लोग कितने विचार सुनने, और वे 13 व्यक्ति मेज के इर्द गिर्द बैठे थे। उनकी अध्यापिका का नाम मिस रॉबिन्सन था, बड़ी ही भली लड़की युवती, कोई 20-21 वर्ष की और सुंदर थी। व्यक्तिगत रूप से मैं कभी भी युवा और सुंदर अध्यापिका नहीं रखती, कोई नहीं जानता, परंतु कोई भी अच्छाई की आशा करता है। लोरा ने मेरी टिप्पणी पर ध्यान नहीं दिया। संभावनाएं हैं कि वो अपना कर्तव्य निभाने की बजाय युवा पुरुषों की बाबत सोचने लगे, और जब अपने काम में अध्यस्त हो जाए तो छोड़ जाना चाहे और विवाह कर दे। परंतु रॉबिन्सन के अच्छे संकेत थे, और मुझे कहना होगा कि वो अत्यंत अच्छी और आदरणीय महिला थी। मैं तथ्य बिंदुओं से विश्वास रखती हूँ, परंतु पादरी की बेटी थी। खाने का एक व्यक्ति था जिसका नाम, मेरा अनुमान है, तुमने कभी नहीं सुना होगा, परंतु जो अपने तरीके से काफ़ी प्रसिद्ध है, वो है काउंट बोर्सेली, और वो संसार के सबसे अधिक रत्नों की जानकारी रखता है। वो मेरी लिंगटे, जिसको अपने मोतियों की बड़ी चाहत थी, के निकट बैठा था, और अपनी बातचीत के दौरान उसने पूछा, जो डोरी वो पहने हुए हैं
उसके बारे में उसका क्या विचार है। उसने बताया कि वो सुंदर है। इस पर वो उत्तेजित हो गई। उसने बताया कि उसका मूल्य 8 पाउंड 1000 है। हाँ, इतनी कीमत का होगा, उसने कहा। मिस रॉबिन्सन उसके सामने बैठी थी। उसे सायंकाल वो अच्छी लग रही थी। वास्तव में उसकी मैंने पोशाक पहचानी। वो सोफिया की पुरानी पोशाकों में से एक थी। परंतु यदि तुम नहीं जानते कि मिस रॉबिन्सन अध्यापिका है, तो तुम्हें कभी भी संदेह न होता। वो एक बड़ा सुंदर हार है जो उस युवती ने पहन रखा है, बोर्सेली ने कहा। ओ, वो जो मिसिज लिविंगस्टन की अध्यापिका है, मेरी लिंगेट ने कहा। इससे मैं कुछ नहीं कर सकता, उसने कहा। वो अति उत्तम मोतियों की डोरी पहने हुए हैं। इतने बड़े मोती जो मैंने जीवन भर नहीं देखे। इसका मूल्य 50,000 पाउंड अवश्य होगा। झूठ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ ये। मैरी लिंगेट ऊपर झुकी। उसकी आवाज़ कर्कश थी। मिस रॉबिन्सन, जानते हो काउंट बोर्सेली क्या कह रहे हैं? वो चिल्लाई। वो कह रहे हैं कि मोतियों की डोरी जो तुमने पहने हुए हैं 50,000 पाउंड मूल्य की है। ठीक है, उस समय बातचीत रुक गई ताकि हम सब सुन सके। हम सब ने घूमकर मिस रॉबिन्सन की ओर देखा। वो थोड़ा शर्माई और हंसी। मैंने बहुत अच्छा सौदा किया, उसने कहा, क्योंकि मैंने केवल 15 शिलिंग दिए। वास्तव में अच्छा सौदा किया। हम सब हंस दिए। वैसे ये भद्दी बात थी। हमने उन पत्नियों की बात सुनी है जो अपने पतियों को बनावटी मोतियों की डोरी को असली और महंगी बताकर धोखा देती हैं। ये कहानी इतनी पुरानी है जितनी पहाड़ियाँ। धन्यवाद, अपने कथन पर थोड़ा विचार करते हुए मैंने कहा। लेकिन ये अनुमान लगाना अति हास्यप्रद होगा कि जिसके पास 50,000 पाउंड मूल्य के मोतियों की डोरी हो और वो औरत अध्यापिका का काम करते रहना पसंद करेगी। ये स्पष्ट था कि काउंट ने बहुत बड़ी गलती की थी। फिर एक विलक्षण बात हुई। अनुरूपता के लंबे हाथ बीच में आए। ऐसा नहीं होगा, मैंने प्रत्युत्तर दिया। इसका अधिक अभ्यास हो चुका है। क्या तुमने वो मनोहर पुस्तक नहीं देखी जिसका नाम है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश यूजेज? मैं चाहता हूँ कि आप उसी समय नहीं टोकेंगे जब मैं वास्तव में उत्तेजित बिंदु पर पहुँच रहा हूँ। परंतु मुझे फिर उसी तरह करना पड़ा, क्योंकि उसी समय एक ताज़ा भुनी हुई मछली मेरी बाईं कोहनी को धीरे धीरे उकसाने लगी। मिसेज लिविंगस्टन हमें दिव्य रात्रि भोज दे रही थी। मैंने पूछा, क्या मछली मोटा करती है? लोरा ने पूछा। बहुत, मैंने एक बड़ा टुकड़ा लेते हुए कहा। निरर्थक, वो बोली। खाओ खाओ, मैंने प्रार्थना की। अनुरूपता का लंबा हाथ चेष्टा करना चाहता है। ठीक है, उस समय बटलर मिस रॉबिन्सन के ऊपर झुका। उसके कान में कुछ कहा। मैंने देखा वो कुछ कुछ पीली पड़ गई थी। गालों और होठों पर रंग न लगना ऐसी गलती है कि तुम कभी भी नहीं जान सके कि प्रकृति तुमसे क्या छल कर जाए। वास्तव में वो चौकन्नी हो गई और आगे की तरफ झुक गई। मिसेज लिविंगस्टन डासन कहता है कि बड़े कमरे में दो आदमी मुझसे तुरंत मिलकर बात करना चाहते हैं। ठीक है, तुम आओ, सोफी ब्लिंगस्टन बोली। मिस रॉबिन्सन उठी और कमरे के बाहर चली गई। वास्तव में हम सबके मन में एक ही विचार उठा।
परंतु सबसे पहले मैंने कहा, लगता है कि वे कहीं इसको गिरफ्तार करके तो नहीं ले जाएंगे, शायद वो गिरफ्तार करने ही आए हों। मैंने सोफी से कहा, मेरी प्यारी ये तुम्हारे लिए अति भयंकर होगा। बोर्सली, तुम्हें विश्वास है कि वो असली हार था? उसने पूछा। ओ बिल्कुल, यदि वो चोरी किया हुआ होता तो आज रात उसे पहनने का साहस न करती वो, मैंने कहा। सोफी अपने श्रृंगार से दबी मृत्यु की तरह पीली पड़ गई और मैंने देखा कि वो हैरान हो रही थी कि क्या उसके गहनों के डिब्बे में सब कुछ ठीक ठाक है। मैं केवल हीरो की एक छोटी सी चेन पहने हुई थी, जो स्वाभाविक रूप से मेरा हाथ ये देखने के लिए गले तक गया कि वो वहाँ है या नहीं। निरर्थक बात मत करो, मिस्टर विलिंगस्टन ने कहा। समझ में नहीं आता कि मिस रॉबिन्सन को बहुमूल्य मोतियों की डोरी चुराने का मौका कैसे मिला होगा। हो सकता है उसको किसी ने दिया हो, मैंने कहा। ओह, उसके इतने विलक्षण संकेत थे, सोफी ने कहा। वे हमेशा ऐसे ही होते हैं, मैं बोला। मुझे लोरा को बार बार फिर विवश होकर रोकना पड़ा। नहीं लगता कि मामले को स्पष्ट रूप से समझने का तुम्हारा कोई इरादा है। वास्तव में मुझे मिस रॉबिन्सन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और ये सोचने के लिए मेरे पास कई कारण थे कि वो एक बहुत अच्छी लड़की थी। लेकिन ये जानकारी सनसनी पैदा होगी कि वो एक कुख्यात चोर और अंतर्राष्ट्रीय अति प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मंडली की सदस्य थी। मुझे भयानक रूप से डर है कि फिल्मों में ही इस प्रकार होने वाली बातें दिखाई जाती हैं। अच्छा, हमने हाँफते हुए अनिश्चय से प्रतीक्षा की, कोई सूचना नहीं मिली। मैंने कमरे में हाथापाई की आशा की थी, या फिर कम से कम एक दबी दबी चीख। मुझे मौन अपशकुन लगा। फिर द्वार खुला और मिस रॉबिन्सन अंदर आई। मैंने तुरंत देखा, गले में डोरी नहीं थी। मैं देख सकती थी कि वो पीली और उत्तेजित थी। वो मेज पर की ओर लौटी और मुस्कुराती हुई उस पर गिर गई। किस पर? ओ मूर्ख, मेज़ पर मोतियों की डोरी। ये डोरी मेरी है, वो बोली। काउंट बोर्सली आगे को झुका। ओ, ये तो नकली है, वो बोला। मैंने तुम्हें बताया था वो नकली थी, वो हंसती। ये वो डोरी नहीं है जो कुछ क्षण पहले मैं पहने हुए थी, उसने कहा। उसने अपना सिर हिलाया और रहस्यमय ढंग से हंसी। हम सब षड्यंत्र में फंस गए। मैं नहीं जानती कि सोफी लिविंगस्टन क्यों अपनी अध्यापिका को इस प्रकार रुचि का केंद्र बनाने में इतनी प्रसन्न थी, और मैंने सोचा कि उसके व्यवहार में चरपेरन की शंका थी। जब उसने सुझाव दिया कि अच्छा होगा कि मिस रॉबिन्सन इसकी व्याख्या करे। अच्छा, मिस रॉबिन्सन ने बताया कि जब वो बड़े कमरे में गई तो उसने दो आदमी देखे। उन्होंने बताया कि वे जरोट स्टोर से आए हैं। उसने अपनी डोरी वहाँ से खरीदी थी, जैसे पहले बताया था, 15 शिलिंग में, और वो इसे वापस ले गई थी क्योंकि इसका कुंदा ढीला था, और वो उसी दोपहर में उसे लाई थी। उन्होंने कहा कि मुझे गलत डोरी दे दी गई थी। कोई व्यक्ति असली मोतियों की डोरी को पुनः पिरोने के लिए दे गया था, और दुकान के सहायक ने गलती कर दी। मेरी समझ में नहीं आता कि कोई इतना मूर्ख हो सकता है कि वास्तव में बहुमूल्य डोरी को जरोट वालों के पास ले जाए और इस प्रकार की वस्तु का व्यापार नहीं करते, और जिनको असली नकली मोतियों की पहचान तक नहीं है। ऐसे लोगों के पास कोई असली मोतियों की माला कैसे ले जा सकता है? लेकिन तुम जानते हो कुछ औरतें कितनी मूर्ख होती है। कुछ भी हो, जो डोरी मिस रॉबिन्सन पहने हुए थी उसका मूल्य 50,000 पाउंड ही था। उसने स्वभाव से
उन्हें लौटा दी। इसके अतिरिक्त वो कर भी क्या सकती थी। मेरा ख्याल है कि उसके लिए ये दुखदाई जुदाई होगी, और उन्होंने इसे इसकी डोरी लौटा दी। फिर उन्होंने कहा कि यद्यपि वे वास्तव में किसी प्रकार का उपकार नहीं मानते, तुम जानते हो कि लोग जब व्यावहारिक बनने का प्रयत्न करते हैं तो किस तरह की अनाड़ी और आडंबरपूर्ण बातें करते हैं उसे शांत करने के लिए, या जो भी आप समझें। 300 पाउंड का चेक देने का निर्देश दिया गया था। मिस रॉबिन्सन ने वास्तव में हमें चेक दिखाया। वो पंच की तरह प्रसन्न थी। ठीक है, ये सौभाग्य की बात थी, नहीं क्या? तुमने ऐसा सोचा होगा जैसे ये पता चला वो उसके विनाश का कारण बन गया। ओ, ये कैसे हुआ? हाँ, तो जब उसका छुट्टी पर जाने का समय आया तो उसने सोफी लिविंगस्टन को बताया कि उसने एक महीने के लिए डेविले जाने और तमाम 300 पाउंड उड़ा देने का निश्चय किया है। वास्तव में सोफी उसे रोकना चाहती थी और कहा कि रकम को बचत खाते में जमा करवा दो, परंतु वो नहीं मानी। उसने कहा उसे ऐसा मौका न पहले मिला था और न फिर दोबारा मिलेगा। वो चाहती थी कि कम से कम 4 सप्ताह वो राजकुमारी की तरह गुजारे। सोफी कुछ नहीं कर पाई और मामले को जाने दिया। उसने अपने सारे कपड़े, जिन्हें वो नहीं चाहती थी, जिनको सारे ऋतुकाल में पहनती थी और जिनसे तंग आ चुकी थी, मिस रॉबिन्सन को बेच दिए। उसने कहा कि उसे दे दिए गए थे, परंतु मेरा अनुमान है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। मैं ललकार कर कह सकती हूँ कि उसने उन्हें सस्ते दामों में बेचा था, और मिस रॉबिन्सन बिल्कुल अकेली ड्यूबिले के लिए चल दी थी। तुम सोचते होगे कि फिर क्या हुआ? मैं नहीं सोच सकता, मैंने उत्तर दिया। आशा करता हूँ कि उसे जीवन का अच्छा समय मिला। ठीक है, जब वो लौटने वाली थी तो 1 सप्ताह पहले उसने सोफी को लिखा कि उसने अपना इरादा बदल दिया है और उसका दूसरा व्यवसाय अपना लिया है, और आशा करती है कि यदि वो न लौटी तो मिसेज लिविंगस्टन उसे क्षमा कर देगी। वास्तव में विनित सोफी अति क्रुद्ध हो गई। हुआ ये कि मिस रॉबिन्सन ने ड्यूविले में एक अर्जेंटीना निवास को चुन लिया था और अपने और उसके साथ पेरिस चली गई थी। तब से वो पेरिस में ही थी। मैंने स्वयं उसको फ्लोरेंस में कोहनियों तक कंगन पहने, गले में मोतियों के रस्से लटकाए देखा है। मैंने उसे न देखने का बहाना किया। लोगों का कहना है कि बोएस दे बोलोगने में उसका मकान है, और मैं जानती हूँ कि उसके पास रोल्स रॉयस कार है। उसने अर्जेंटीना निवासी को कुछ महीनों में फेंक कर एक यूनानी का गला थाम लिया था। मैं नहीं जानती कि तुम आजकल वो किसके साथ है, लेकिन सारांश यह है कि वो पेरिस की चतुर्थम लोकाचारी वेश्या को भी मात कर रही है। जब तुमने कहा कि उसका विनाश हो गया तो मैं अनुमान लगाता हूँ कि तुमने इस शब्द का प्रयोग तकनीकी तौर पर किया था। मैंने कहा, मैं नहीं जानती कि इससे तुम्हारा क्या अभिप्राय है। लोरा ने कहा, परंतु क्या तुम नहीं सोचते कि तुम इससे कहानी बना सकते हो? दुर्भाग्य से मैं मोतियों की डोरी के बारे में एक कहानी पहले से ही लिख रहा हूँ। मोतियों की डोरी के बारे में ही और कहानियाँ कैसे लिखूँगा? मेरा विचार है कि मैं स्वयं इसको लिखूं। वास्तव में मुझे केवल इसके अंत को बदलना होगा। और तुम इसे समाप्त कैसे करोगी? इस तरह, मैं उसकी सगाई एक बैंक लिपिक से करवा दूंगी, जो लड़ाई में बुरी तरह से मार गिराया गया था।
एक टांग के साथ या फिर उसका आधा चेहरा उड़ गया था, और वो भयानक रूप से निर्धन था और कई वर्षों तक उसके विवाह की आशा नहीं थी। और वो नगर के बाहर मकान खरीदने के लिए रकम जमा कर रहा था। वो विवाह तब करता जब वो मकान की अंतिम किस्त अदा कर देता। फिर वो उसे 300 पाउंड देती और वो विश्वास नहीं करता। वो इतना प्रसन्न होता कि उसके कंधे पर सिर रखकर बच्चों की तरह रोता। वे दोनों नगर के बाहर वाले मकान में जाते और विवाह करते थे। तब उसकी बूढ़ी माँ उसके पास रहने को आती। वो प्रतिदिन बैंक जाता और यदि वो बच्चे न चाहती तो भी दैनिक अध्यापिका का काम कर लेती। वो बधुआ अपने घावों के साथ बीमार रहता, वो उसकी देखभाल करती और ये सब कुछ हृदय स्पर्शी, मधुर और प्रेममय होता। ये मुझे कुछ बहुतरा सा लगता है, मैंने कहा। हाँ, परंतु कर्तव्य परायण, न्याय सम्मत, लौरा ने कहा।